करते हैं। अनुच्छेद तनान करो। देखो वो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं सर, मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। एक क्लास में क्या पढ़ा हम लोग, मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। तो मेटल्स में आपको क्या पढ़ा है, फिजिकल, पहले शुरू मेटल को डिफाइन किया, नॉन मेटल को डिफाइन किया, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाए, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाए, है ना। फिर मेटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताए, किस दिन किस समय के लिए बताए थे, इसी समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए थे ना। अब उसके बाद मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। NaCl आप देखते हो, NaCl जो हम लोग देश का टाटा साल्ट नमक खाते हैं ना, वो देश का जो नमक खाते हैं वो क्या होता है, NaCl होता है ना। NaCl एन उसे तनाउन करो, किसका है वो, ज्योति का नेटवर्क भाग्य जी, अनुज ऑन करो जी। ठीक, तो जो NaCl है बाबू, जो NaCl देश का नमक, तो ये बॉन्ड होता है, ये बनता कैसे सर, बनता कैसे, तो इसका वीडियो प्रीवियस क्लास में आपको हम दिखा दिए थे ना, NaCl का वीडियो आपको हम दिखाए थे। ठीक, कैसे होता है सर, आखिर होता कैसे। तो कल बाबू आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने डिफाइन कर दिया था ना, क्या होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड वह होता है बाबू जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हमको दो तरह के बॉन्ड पढ़ना बाबू, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन का अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है तो वहां जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, है ना। और शेयरिंग से आगे हम लोग पढ़ेंगे, शेयरिंग से, शेयरिंग से अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, है ना। तो वही आपको बता रहे हैं, अब जो कंपाउंड बाबू है ना जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, है ना, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, कुछ नहीं है। जैसे NaCl का ऐसा कंपाउंड आयनिक बॉन्ड इसमें बन रहा है ना सर, तो इसको क्या कहेंगे सर, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। शिवानी ऑन करो जी, इसको क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे ना, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना। अब बात है सर बनता कैसे सर, तो इसका वीडियो आपको दिखाया था। देखो NaCl बनता कैसे है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताया ऑलरेडी, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया ना सर, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस Cl है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा है, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या चीज है, कोई भी एटम बाबू क्या चाहता है, अपने आउटर सेल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, कितना। ए शर्मा कैमरा डाउन करो जी, कोई भी एटम बाबू अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, तो इसका आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का आउटर सेल में क्या, 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन रखने से क्या होता है सर, जो भी 8 इलेक्ट्रॉन रखने से बाबू कम जो भी आइटम है वो क्या होता है, स्टेबल होता है ना। तो वही 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के दौरान में बाबू है ना, दो तरह के बॉन्ड बनेंगे आपका, एक बनेगा क्या आयनिक बॉन्ड में, एक तरह का क्या करेगा, कोवेलेंट का बॉन्ड बनेगा, है ना। तो इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हाँ सर बात समझ में आ जाता। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो या तो बाबू ये सोडियम क्या करे, एरा से 7 इलेक्ट्रॉन छीन ले, क्लोरीन से अगर 7 इलेक्ट्रॉन छीन लेता तो इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए इसको पास क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, जो कि बेचारा सोडियम के पास होता नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना सोडियम क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, वही इंग्लिश में लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर कर देगा तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो यही बचेगा ना जी, 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का फलस्वरूप बाबू सोडियम अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो ये वाला जो सेकेंड सेल है वही आउटर मोस्ट सेल हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, हाँ सर। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्लोरीन का आउटर सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 7 गो, क्लोरीन का आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो क्लोरीन का आउटर सेल में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, दोनों का काम बल्ले बल्ले हो गया, सोडियम का जैसे आउटर सेल में कितना हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेगा था 2 8, पहला सेल में, दूसरे सेल में कितना हो गया, 8 हो गया, है ना, दो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यही हो गया। तो दोनों का क्या हो गया, आउटर सेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, है ना। ठीक, अब ये स्टेबल हो गया, है ना। तो आके अल्टीमेटली जो आपको कल बताया था कटायन एनायन के बाद, है ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सोडियम पे प्लस चार्ज, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्लोरीन पे क्या, माइनस चार्ज, है ना। एनायंस और कटायंस का कंसेप्ट बताए थे ना, इसी समय के लिए बताए थे। अनुसरण वीडियो ऑन करो, ऐसे मान ऑन करो बाबू। तो ये NaCl हो गया, तो यही प्लस माइनस बीच के क्या लगेगा, कहीं भी बाबू प्लस चार्ज माइनस चार्ज अगर प्रेजेंट रहता, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट दो लाओगे बाबू, तो वहां पे क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जी, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, नॉर्थ साउथ पोल लाओगे मैंने, तो उसी तरह से प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, अपोजिट नेचर चार्जेस के बीच में, है ना। या अनुजान करो जी, तो यही Na+Cl मिलकर क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना, ऐसे इसको क्या बोलते हैं बाबू, नमक बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं ना, देश का नमक। ठीक, नेक्स्ट बाबू आगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉटर स्ट्रक्चर अगर बनाना रहे तो कुछ नहीं करना है, खाली धोखा क्या है, सोडियम के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉटर स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक आइटम का आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे,
तो सोडियम का आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का आउटर सेल में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 7, ठीक ठीक सर। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, सोडियम क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सोडियम पे कौन चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, सोडियम पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन का आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 2 4 8 हो जाएगा, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यही एन ए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 8 मिलकर क्या बना देगा, एन एस सी एल बना देगा, क्या बना देगा, एन एस सी एल बना देगा, है ना, एन एस सी एल बना देगा। तो यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या, एन एस सी एल क्या है, सोडियम क्लोराइड, है ना, ये एन एस सी एल आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड साल्ट हो गया, है ना, यही आपका क्या, एन एस सी एल क्या है, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम। काहे ऐसे करती बाबू, सौम्या एकदम परेशान हो गए, 5:30 बजे आती है, फिर 10 मिनट पहले चली जाएगी, ठीक। तो यही आपका क्या हो गया, एन एस सी एल हो गया, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से बाबू आपको क्या करना है, के सी एल का बनाना है, किसका बनाना है, के सी एल का बनाना है ना, के सी एल का बनाना है, ठीक। इसी तरह से आपका के सी एल का बनाना है, शैतान ज्योति का कहा हुआ जी। नेक्स्ट बाबू आप के सी एल का बनाना, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, है ना, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे आपको, है ना। नेक्स्ट बाबू आगे क्या है बाबू, मैग्नीशियम क्लोराइड है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम का सारा का सारा क्या है, आयनिक कंपाउंड। मन से सुनना है बाबू, सौम्या बाद में लिखिएगा, भेजा हुआ ग्रुप में, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ क्या बाबू, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका कैसे फॉर्मेशन होता है ना, कैसे फॉर्मेशन होगा, ठीक, इसको समझो। देखो शांति से समझना, ये अब आपका क्या बाबू, कैसे आपका MgCl2 बनता है, वही है, कैसे MgCl2 बनता है। अनु शैताने शिवानी ऑन करो ना वीडियो जी, ये बीपी गाने सब खाली हाई करवा देते हैं। अनुज कॉलिंग ए अनुज ऑन करो, शिवानी बाबू ऑन करो ना जी, शिवानी कहाँ चल गई जी। देखो फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 है, ठीक ठीक सर। तो मैग्नीशियम है बहुत, तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2 8 2, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे अरेंज करो, पहला में 2 गो, दूसरे में 8 गो, तीसरा में 2 गो। क्लोरीन है, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, तो क्लोरीन का कितना होता है, Cl2 है, 2 गो क्लोरीन है, कितना है, 2 गो क्लोरीन है, तो ये गो क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकलेगा, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा क्लोरीन एटम हो गया, 2 4 6 2 7, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 1, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, देखो जब भी बाबू कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनता है, तो एगो मेटल रहेगा, एगो नॉन मेटल रहेगा। मैग्नीशियम मेरा क्या है, मेटल्स है, क्लोरीन मेरा क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन मेरा क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है, ठीक से। अब क्या करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, कहा है सर, क्योंकि इसका आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं क्लोरीन को मिल जाता है कहीं से, और इसके भी ये भी दोनों सेम क्लोरीन है, तो इसके भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता तो इसका काम हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी एटम है बाबू, सारा एटम अपना क्या चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ये मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, कर्ता बौधा क्या है, क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा मैग्नीशियम, और 1 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम वाला इस क्लोरीन को दे देगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया। जब दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो अभी ये मैग्नीशियम का आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन हट गया ना, हाँ सर, तो आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन हट गया, तो इसका क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, मैग्नीशियम क्या बनेगा, M2+ बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेगा, तो मैग्नीशियम का कितना है, 2 8 है, मैग्नीशियम का 2 8 है ना जी, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 को इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 को प्लस आ गया। क्लोरीन बौधा का क्या हुआ, क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लोरीन के भी आउटर सेल में कितना हो गया, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। यस शैतान वीडियो ऑन करो जी, इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो यही भाव, मैग्नीशियम 2+ हो गया, क्लोरीन माइनस माइनस है, तो 2 Cl- है, 2 गो क्लोरीन है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 गो Cl- करेंगे, तो ये प्लस माइनस चार्ज के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। तो ये सारा का सारा क्या, आयनिक बॉन्ड है, सारा का सारा क्या है, आयनिक बॉन्ड है। इसको करना, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो सिखा देते हैं ना, वो सिखा देते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। शुभ शैतान है अनुज बाबू, शैतान मर गई क्या है, शिवानी, शिवानी बाबू बच्चा बच रहे हो जी, नहीं बच नो रहे एकदम, सर, चल बस, नहीं बच रहे शिवानी, नो सर,
कैसे बोल दी बाबू, वीडियो सर तो ऑन करो नेट ना। ना वीडियो ऑन करेंगे। अच्छी बात है बाबू, बच्चे प्यारी प्यारी बच्चे बाबू, नहीं वीडियो ऑन होता बेचैनी सा होता है बाबू कि बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, बड़ी टेंशन हो जाता है ना कि पीछे जाके डांस कर रही है। आप लोग का विश्वास नहीं ना जी, गार्जियन से ज्यादा टेंशन होता है आप लोग का, फिक्र रहता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको समझना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो किसका सर, MgCl2 का, तो मैग्नीशियम का हम लोग ड्रा करेंगे सर। तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे ठीक। एक और आउटर सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना, दो ये गो इलेक्ट्रॉन होता, मैग्नीशियम का 2 8 2 होता है ना जी, तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है तो क्या करेंगे, क्लोरीन है ठीक है बोला। हाँ तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 को इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करो, 2 2 4 2 6 1 7, इस क्लोरीन एटम का लिखो, 2 2 4 1 7 हो गया। ये क्या आपका Cl है, क्या है Cl है, ये 2 8 7 है, ये भी क्लोरीन कितना है, 2 8 7 है ना। हाँ सर, होता क्या है डांस बाबू, ये बेचारा एगो इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को देगा, एगो इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ट्रांसफर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है ट्रांसफर होता है ना। ठीक सर, बात तो यहाँ तक समझ में आता है। तो पढ़ाई कुछ नहीं बाबू, आपको जितना हम अभी बता रहे हैं सारा का सारा कंसेप्ट हम पीछे आपको सिखा चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रिक कलेयर कटायन एनायन क्या होता नहीं सारा बता चुके हैं ना ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये भी पौधा नीचे वाला भी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना, ट्रांसफर होगा। तो मैग्नीशियम 2 गो दिया, अल्टीमेटली बनेगा क्या, मैग्नीशियम पे 2 गो प्लस चार्ज आ जाएगा। हाँ सर बात तो आता है समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घट जाएगा, तो 2 8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन घट गया तो 2 8 हो गया, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन पे क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। शैतानी रे जोबन जी, सब सोमिया की तरह शैतान है, इनको वो खत्म हो गया लगता। क्लोरीन पे कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 हो गया। तो क्लोरीन क्या किया बाबू, इलेक्ट्रॉन लिया ना तो माइनस चार्ज, दूसरा क्लोरीन एटम पे भी वही बात होगा, इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज हो जाएगा, ये क्लोरीन एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी माइनस चार्ज हो जाएगा, -1 या सिर्फ माइनस लिखो, ये कितना है, 2 8 8। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस मिलके आपका क्या बना देगा, अल्टीमेटली ये बनेगा क्या भोला, Mg2+R2Cl-। 2 गो क्लोरीन है माइनस हो गया, तो ये फर्दर क्या बना दिया, MgCl2 बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो यही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो कुछ नहीं बाबू, खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, आंसर लूटो, लिखो भोला, ड्रा करो बाबू, इंक उंक खत्म हो गया लगता है जी, इंक डालना पड़ेगा। क्लियर दिख रहा है शिवानी बाबू, ए शिवानी गुस्सा भोले, नहीं उसका नेटवर्क चल रहा है।
नेक्स्ट बाबू, इंक थोड़ा डाल लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा उसको बताते हैं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं ना, पहले सोडियम ऑक्साइड बना देते हैं। ब्लूको में खत्म हो गया, सब इंक खत्म हो गया। जल्दी बाबू, ए अनुज शैतान, ये तो शैतान लगता है पढ़े में लगल है। कौची याद कर रहा है अनुज? सर आज वही कौन? सर अच्छा एसएसटी। आज एस एस टी बाबू। ठीक चलो बोला। नेक्स्ट बाबू, इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना तो हम सोडियम वाला बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड तीसरा नंबर है ना जी, चौथा नंबर। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसी तरह से ड्रा करना। मैग्नीशियम नहीं करोगे कूट देंगे। ऑक्साइड समझा धर्मवीर? नहीं, कॉपी में बनल रहा है MgO का, दोनों करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम का वैलेंसी लिखना, आउटर मोस्ट ऑक्सीजन का जानवे करता है ना। डू इट योर सेल्फ। ठीक, नेक्स्ट बाबू, सोडियम ऑक्साइड हम लोग पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड उसी तरह से सोडियम ऑक्साइड बाबू, इसको सीखते हैं। फिफ्थ नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी कितना होता है? वन। ऑक्सीजन का कितना होता है? टू। क्या बनेगा? Na2O बनेगा। तो सोडियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। लिखो भोला, इसको बताते हैं वो। समझ में आ रहा है प्रधान कि नहीं आता बाबू? प्रधान अब भोला, हाथ बना के थोड़ा भेजिएगा तो कितना समझ में आता। राइटिंग फिर नहीं भेजा प्रधान, ये तो शैतान हो गया बाबू। फिर बोलो बाबू, सर भेज देंगे। फिर लिखा हूँ भैया। अच्छा लिखे हो, भेजे नहीं हो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देखो सोडियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे बाबू, इसी तरह से करेंगे जी, कुछ नहीं बाबू इसमें। मन से समझना, सौम्य शैतान ना, इसका सही में शैतान है ये। कभी ये सुधरेगी, अभी इसको पापा जी को फोन करते हैं। सैंपल पेपर आया मार्केट में, मंगाओ बाबू जल्दी से, आप लोग है ना प्रैक्टिस करो। मंगाया जी शर्मा, शर्मा नहीं सर अभी नहीं खरीदा सर, पहले कोर्स सारा कंप्लीट हो जाए उसके खरीदूंगा। नेक्स्ट बाबू, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम बाबू इसका बनाओ बाबू, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन बनाओ, बड़ा बड़ा बनाएंगे, उस समय मेरे पास स्पेस नहीं था। दो दो चार, दो छह बनाते चलो। सोडियम है कितना होता है? दो आठ एक होता है ना। ठीक सर, दो दो चार, दो छो दो आठ, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कै गो सोडियम है सर? दो गो सोडियम है। कै गो सोडियम है? दो गो है। एक और बना, इसको यहाँ अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लग रहा है देखने में। पहला
पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, दो इलेक्ट्रॉन, दो चार इलेक्ट्रॉन, यही टाइम पास है बाबू, लूट है खाली, क्या करोगे? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम है, 2 8 1 है, ठीक। प्लस ऑक्सीजन है, न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, क्या इलेक्ट्रॉन सर? पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीजन, 2 6 हो गया, ठीक ठीक सर। ऑक्सीजन को 2 को इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो एगो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 6 है, 2 को इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो 8 को हो जाएगा, बल्ले बल्ले डांस शुरू, 8 को तो करना रहता है, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ट्रांसफर हो गया, ए बाबू कल वाला होमवर्क भेजी थी जी, ईशा ईशा लगता भेजी थी, ए ईशा ईशा बोली, कल हाँ सर, वाला होमवर्क कहाँ नहीं भेजी थी बाबू? अभी अच्छा शिफ्ट हो रही है, तभी हो गई, कभी बाकी है बाबू? बाकी है सर। बाकी है, अच्छा इसका वो क्या होगा? तो ऊपर सोडियम हो गया सर, इसके नीचे सोडियम हो गया सर, इधर क्या हो गया सर? ऑक्सीजन हो गया सर, सब में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया सर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया सर, 1 इलेक्ट्रॉन बेचारा दे दिया सोडियम, 2 2 4, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन, एकर भी 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन है सर? इस सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, सोडियम प्लस है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, क्या बने प्लस बनेगा? 2 को सोडियम एटम था, 2 को लिख दो, 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2 8 है, ऑक्सीजन है सर, तो 2 ऑक्सीजन पे क्या हो गया? 2 को लिया तो माइनस हो गया, 2 8 हो गया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना जी, तो 2 को माइनस आएगा, जितना लेगा उतना माइनस आएगा, देगा उतना प्लस आएगा, तो यही बाबू Na और O2 प्लस मिल के आपका क्या बनेगा? भोला मेरा Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और कुछ नहीं करना रहता बाबू, यही धोखा है जिंदगी का, है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिकेट करेंगे, सोडियम दो गो है बाबू 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम दो गो है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बेचारा इसको देगा, ये एगो इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांसफर होगा, क्यों देगा सर? क्योंकि देने के बाद बाबू इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, देने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेने वाला का भी आउटर सेल में क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दोनों का बल्ले बल्ले चांदी चांदी, इसीलिए दोनों अपना लेन देन करते रहता है, अगर नहीं ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो नहीं लेन देन करेगा। इसका 2 8 1 हो जाता है ना, इसका कितना हो जाता है? ये आपका है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें ट्रांसफर हो गया, छोड़ो मत दो ब्रेकर तरीकर, ऐसे लिखो बिन। नेक्स्ट बाबू, तो ये क्या बनेगा बाबू? Na प्लस और Na प्लस,
एन ए प्लस, एन ए प्लस ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे 2 गो माइनस हो गया। तो यही बनाएगा आपको क्या है, ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन हो गया है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2A Na+ O2 पे 2 माइनस, ये क्या बना देगा, Na2O बना देगा। हो गया खेला खत्म, बटाटा बाय बाय, ऐसे ही करना रहता बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये आपका हो गया सोडियम ऑक्साइड। ना और आ गया तो ऑक्सीजन हाँ तो रहता है आइटम, तब उसमें इलेक्ट्रॉन रहता तब कैसे करते हैं? कुछ 9 इलेक्ट्रॉन रहता, मतलब नहीं कोची बाबू बोला ना जी, साहब से गुड़ 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 कहाँ बोलता है, साहब से बोला ना जी, गया सर, समझ में गुड़ गुड़ आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर सेल में बाबू, आपको बताया नहीं बाबू 137 तक है, 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है जी, करने करा में जी, ये क्या आउटर सेल का है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा है आउटर सेल वाला, गुड़ गुड़ मत करो ठीक है ना, तो 9 किसका होता है, फ्लोरीन है बाबू, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है आउटर सेल में, उसमें 7 हो जाएगा, लिखो शैतान है, गुड़ गुड़ आता है। नेक्स्ट वाओ, कैल्शियम ऑक्साइड, जल्दी करो जी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इलेक्ट्रॉन डॉटा स्ट्रक्चर है इसमें कौन? ये वाला हो गया और क्या, टोटल ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट है ना, तो यही आपका हो गया और क्या, ये आपका ये वाला हो गया सेल को यूज करके है ना, वो सेल सेल को यूज करके सेल एल सेल, ये इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया हो गया, और क्या करना रहता है इसमें, जल्दी लिखो जी, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या बनाएगा, जल्दी बाबू 6 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब सब में सब में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जल्दी बाबू इसको हम बनाने नहीं जा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन, इसको करना अपना अभी करके भेजना। नेक्स्ट बाबू आयनिक कंपाउंड, इसको करना बाबू DI/I है, ये सब 2 4 को करेगा तो हाथ क्लियर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बाबू, आगे क्या बाबू आयनिक कंपाउंड है, तो जिसमें आयनिक बॉन्ड रहता है ना उसको हम लोग कौन सा कंपाउंड कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, आप कुछ नहीं है, धोखा खाली है, जैसे NaCl हो गया, Na2 हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको आयनिक कंपाउंड कहेंगे, कैसे पता चलेगा, तो एगो मेटल है एगो नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है और कुछ नहीं होता है ना, तो यही है बाबू। नेक्स्ट बाबू आयनिक कंपाउंड को थोड़ा सा डिफाइन कर लो, एक आयनिक कंपाउंड को डिफाइन कर लीजिए एकदम, धर्मवीर सुत गया जी, नहीं जल्दी, सर, हाँ नहीं 3 गो बनल रहा ना कपिया में तो धुन देंगे ठीक है ना, ये सब कैल्शियम ऑक्साइड सब हाथ पर चला। नेक्स्ट बाबू आयनिक कंपाउंड, द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, और कुछ नहीं बाबू, इतना ही है बाबू, आयनिक कंपाउंड को डिफाइन करो जी, गुड़ वो गिल्ला हो जाता है, आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, कुछ नहीं बाबू, द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड, लाइन कट गया जेनिको, द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड, इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड,
बस कुछ नहीं है, यही है, इतना ही सा था, है ना, इतना ही के लिए आप लोग अब इतना इधर उधर भटकते रहते हो। कौन दूगो भागा जी, किसका दिन भारी हो गया? देखो सौम्या का, उसका तो बाबू स्थिति खराब है बहुत। एग्जाम्पल्स कौन कौन हो जाएगा, है ना, जैसे यही यही वाला हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या आयनिक कंपाउंड है, CaO हो गया। और क्या हो सकता है सर, KCl हो सकता है सर, पोटेशियम क्लोराइड सर, जो पढ़ा है ये सब सारा का सारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारा का सारा क्या है, KCl हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड बाबू, NH4, सर वो तो बोलिए NH4 होता है ना, क्या बाबू। सिर्फ अमोनियम का ही ना NH4 होता है, तो क्लोराइड का कुछ नहीं है। क्लोराइड बाबू ये वो कटाइन होगा, ये वो एनायन होगा, अमोनियम की वैलेंसी भी +1 होगा, शाम को लिखा है ना जी, नहीं लिखा है तो आज लिखा दें। मैग्नीशियम क्लोराइड वाला, जहां भी मेटल नॉन मेटल के बीच बन रहेगा तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल के बीच में मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सर कि चार हो गए, बहुत सारे, बहुत सारे, तो सबको लिखना संभव थोड़ी है बाबू, है ना, सबको लिखना संभव थोड़ी है। नेक्स्ट, तो इतना सारा कंसेप्ट आपका किस पे था बाबू, है ना, आपका इतना सारा था आयनिक बॉन्ड पे, अब हम लोग कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, है ना, दूसरा नंबर कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड है दूसरा नंबर, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। आज डिफाइन करोगे जी, देखो कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे बाबू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, अगला में कोवैलेंट में क्या करेगा, आपके पास मान लो बिजनेस खोल लेके है, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाना, हमारा पास ना है भाई, बा 5 लाख तू दे दे, 5 लाख हमारा ही है, 10 लाख मिलकर बिजनेस ही बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, स्कूल खोल देंगे, है ना बाबू, फिर 1 से 2 बिल्डिंग बनने में देर नहीं लगे, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, आधा इलेक्ट्रॉन मैंने कुछ कुछ को एक आइटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कुछ क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, आ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उस पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उस इलेक्ट्रॉन पे दोनों आइटम का क्या होगा, मैंने योगदान होगा, दोनों आइटम का क्या होगा, हकदार होगा, है ना, दोनों आइटम का उसमें उसका योगदान, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो शेयर इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, दोनों आइटम का योगदान होगा, है ना, ठीक। अब दोनों आइटम का योगदान होगा तो उसके फलस्वरूप जो आपका ये बॉन्ड बन जाएगा, तो वहां पे हम लोग उसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ना वीडियो दिखाए थे ना, फिर से दिखा देंगे ना, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक ठीक है। अब ये डिफाइन कर दीजिए, कल कल कर दीजिएगा सर, कह दीजिए। ठीक ठीक है, आप लोग टाइम पे आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइम पे आइए, इसको कल हम लिखेंगे, है ना, उसके बाद इसका आपको समझा देंगे, है ना, स्कूल नहीं बाबू गुनगुन, है सर, आज लेट से। आज लेट से है, अच्छी बात है, ठीक है, भोला भोली जाइए बाबू, ये सब बाय सही सर, था, बाय हाँ सर। बाबू जी, बाय बाय बाबू, सर एक डाउट क्या डाउट है गुनगुन बोले बाबू, सर, कैल्शियम ऑक्साइड में CaO लिखे हैं तो फिर मैग्नीशियम क्लोराइड में Cl2 क्यों लिखे हैं, मतलब उसमें 2 क्यों ऐड हो जाता है? पहले इसका आपका देखो दोनों